हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक टर्किश शो जिसका नाम है राइस ऑफ एम्पायर ओटोमैन। तो इस शो में हमें क्या कुछ देखने को मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस ओटोमैन एम्पायर के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो शायद आप लोग जान लोगे तो आपको इस शो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये जिस कॉन्सेप्ट पे बना है ना भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है। आप अगर ऑटोमैन एम्पायर के बारे में पढ़ोगे ना, आपको बहुत कुछ अलग जानने को मिलेगा। और ऑटोमैन एम्पायर वर्ल्ड की बिगेस्ट एम्पायर में से एक है, और यू तो ऑटोमैन एम्पायर में कई ग्रेट लीडर्स आ चुके हैं, लेकिन जिस ग्रेट लीडर की मैं बात करूंगा उसका नाम है सुल्तान मोहम्मद अल फातिह, या तो आप उन्हें मेहमेद द सेकंड के नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस सीरीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ ऑटोमैन एम्पायर के बारे में बताना चाहूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो ओटोमैन एम्पायर ये बना था 1299 में, और इसे बनाया था गाजी उस्मान ने। और ओटोमैन एम्पायर जो ये नाम था, ये नाम लिया गया था गाजी उस्मान के ही नाम से। और यूं तो इसमें बहुत सारे ग्रेट लीडर्स रहते, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे सुल्तान मुराद दी सेकंड से। उनके बेटे थे सुल्तान मोहम्मद अल फातिह, जो कि हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो जो सुल्तान मुराद दी सेकंड थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल जो सिटी है उस पर कई बार हमला किया, और सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि 23 और आर्मीज थी जिन्होंने उस पर हमला किया था, लेकिन कोई भी कॉन्स्टेंटिनोपल जो सिटी थी उसको जीत नहीं पाता था। उसकी वजह यह थी कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो सिटी थी, जो कि बेजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल था, वो एक ऐसी सिटी थी कि वो बीच में पड़ती थी, यानी कि एक तरफ उसके यूरोप था तो एक तरफ एशिया था, एक तरफ अफ्रीका था, एक तरफ मेडिटेरियन सी थी तो एक तरफ ब्लैक सी थी, तो वो एक बीच में पड़ जाते थे। और वो जो जिस तरीके से सिटी थी, वो सिटी के तीन तरफ पानी था और एक तरफ लैंड था, और जिस तरफ लैंड था उस तरफ की जो दीवार थी वो 5 लेयर्स थे उसके दीवारों के, और वो इतनी मजबूत थी कि तकरीबन 1100 साल तक किसी ने भी उस दीवार को तोड़ नहीं पाया था। बस यही वजह थी कि जो कोई भी कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला तो करता था लेकिन जीत नहीं पाता था। और बचपन से ही सुल्तान मोहम्मद अल फातिह अपने फादर मुराद दी सेकंड को देखते थे कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला तो कर ले लेकिन कभी जीत ही नहीं पा रहे, और ये चीज उनके दिमाग में बचपन से रहती थी। वो सोचते कि जब भी वो ट्रोन पे बैठेंगे, यानी जब वो तख्त पे बैठेंगे, तो वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करेंगे, वो जीतेंगे, क्योंकि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को अपना रोल मॉडल मानते थे। जब अलेक्जेंडर ग्रेट ने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और बस ये एक चीज थी, ये एक सनक थी, और वो इतने ग्रेट लीडर थे कि यार उनमें एक चीज थी, वो मिलिट्री जीनियस थे, वो सब चीजें कर सकते थे। और महज 12 साल की उम्र में उनको तख्त पे बिठाया था सुल्तान मुराद दी सेकंड ने। 2 साल तक हुकूमत की, लेकिन वहां के जो वजीर थे वो सुल्तान मुराद को कुछ भड़का दिए, बोले कि जो आपके बेटे वो अभी उस लायक नहीं कि वो इस ट्रोन को सही से संभाल सकते, तो इसलिए सुल्तान मुराद ने उनसे इस ट्रोन को ले लिया था वापस से। लेकिन उनको ये कहा था कि जिस दिन तुम इस ट्रोन के लायक हो जाओगे मैं तुमको फिर से इस ट्रोन पे बिठा दूंगा। खैर काफी साल बीत गए और सुल्तान मुराद दी सेकंड का इंतकाल हो गया। अब उनके इंतकाल होने के बाद इस ट्रोन पर कौन बैठेगा, तो उनका बेटा सुल्तान मोहम्मद अल फातिह। तो महज 19 साल की उम्र में वो उस ट्रोन पर बैठे, और बैठने के सिर्फ 2 साल के बाद उन्होंने सोचा कि अब जो बचपन से वो सोच रहे थे कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी पर हमला करने का, अब यह वक्त आ चुका है और अब मैं इस पर हमला करूंगा। क्योंकि इसके पीछे की भी एक वजह थी, वजह यह थी कि सुल्तान मोहम्मद अल फातिह जो थे वो हदीस को, और वो बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर थे, वो अल्लाह को बहुत मानते थे, और हर इस्लामिक जो ग्रेट वॉरियर था वो काफी स्ट्रांग बिलीवर्स का था, और वो अल्लाह को और हदीस को बहुत मानते थे। तो एक हदीस ये थी कि एक दिन एक ग्रेट मुस्लिम रूलर आएगा जो कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी पर राज करेगा, और जो उसकी आर्मी होगी वो भी बहुत ग्रेट होगी। तो कहीं ना कहीं वो इस हदीस को अल्लाह का इशारा मान के चलते थे, और वो समझते थे कि शायद वो ग्रेट लीडर वही है जो कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी पर एक दिन राज करेगा। और बस यही सोच से वो आगे बढ़ते, और क्या, और इस सीरीज में आपको यही बताया कि वो किस तरह से कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी को जीतते हैं, और इस बीच में उनको क्या क्या हर्डल्स को पार करते, और किस तरीके से रोमन एम्पायर के जो उस टाइम पे राजा कॉन्स्टेंटिन 11 से किस तरह से लड़े थे, वो सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। देखिए इस सीरीज की जो कहानी है वो कहानी रियलिटी के काफी करीब बताने की कोशिश की उन्होंने, जो जो आपको हिस्ट्री में फैक्ट जानने को मिलेंगे वो सब कुछ आपको इस सीरीज में बताया गया। लेकिन इस सीरीज में कोई भी एक तरफ नहीं बताया गया, मैं आपको पहले बता दूं, चाहे वो रोमन एम्पायर हो या ऑटोमैन एम्पायर हो, दोनों में जो मिलिट्री जीनियस लोग थे उसके बारे में यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन स्पेशली जो सुल्तान मोहम्मद अल फातिह थे वो अपने आप में एक बहुत ही ब्रिलियंट आदमी था, क्योंकि उसने बाइबल भी पढ़ा था, उसने कुरान शरीफ भी पढ़ा था, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस भी जानता था, और वो कभी भी किसी रिलीजन के नाम पर किसी पर हमला करना नहीं चाहता था। बस बचपन से उसके दिमाग में यही चीज था कि उसको कहीं ना कहीं बड़ा होकर कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतना है, उसे हासिल करना है। और कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में आपको बताया, उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि उसको आज
इस्तानबुल के नाम से जाना जाता है। खैर इस सीरीज में जो अच्छी चीज बताई वो था इसका डायरेक्शन, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया। मतलब हर एक सीन को आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग फील होगा और आपको एक रोंगटे खड़े कर देगा कि उस टाइम भी जो लोग थे वो कितने बहादुर थे। लेकिन जो जंग होती है ये सीरीज में बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो जंग होती है वो बहादुरी से या तलवारों से या वेपन से लड़ी नहीं जाती, जंग दिमाग से लड़ी जाती है। और आप जितने मिलिट्री टैक्टिक्स में आप जितने होशियार हो उतनी ही आप जंग जीत सकते हो। और रोमन एम्पायर हो या ऑटोमन एम्पायर, दोनों में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही ब्रिलियंट है और उन्हीं लोगों की वजह से ये जंग 2 महीने तक चली थी। और 2 महीने बाद ये जंग का रिजल्ट आया था और एज यूजुअल सबको पता कि ये जंग जीते थे ऑटोमन एम्पायर के किंग ग्रेट सुल्तान मोहम्मद अल फातिह ने। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जितने भी ग्रेट वॉरियर्स थे वो जब भी किसी एम्पायर पर हमला करने आते थे, मुस्लिम वॉरियर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग डायरेक्ट हमला नहीं करते थे, वो अपना नेगोशिएशन लेटर भेजते थे कि हम लोग आप पर हमला करने वाले, अगर आप लोग चाहो तो समझौता करके आप लोग शांति से वहीं रह सकते हो, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आप हमारे अंडर रहोगे, हम इस पर हुकूमत करेंगे, हमारा झंडा रहेगा, बस उनकी यही शर्त होती थी। वो लोग किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन अगर सामने की तरफ से बोलते थे कि अगर भाई हमको आपकी नेगोशिएशन मंजूर नहीं है तभी वो लोग हमला करते थे, एक अच्छी बात थी इस्लामिक वॉरियर्स की। उसके अलावा जितने भी इस्लामिक वॉरियर्स थे, चाहे वो सुल्तान मोहम्मद अल फातिह हो या हजरत खालिद बिन वलीद हो या सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी हो, ये लोग वहां जब हमला करते तो हमला करने के बाद जो वहां के जो सिविलियंस होते थे, जो कॉमन लोग होते थे, उनको कभी भी वो नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो ये जो लोगों की गलतफहमी है, तो ये गलतफहमी आपको बता दूं कि वो कभी भी किसी को भी हमला या कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बस वो वहां के जो राजा थे, राजा और वहां की जो फौजें होती थी बस उन्हीं को मारते थे, अगर वो लोग भी सरेंडर करते तो उनको भी नहीं मारते थे। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ये काफी कुछ चीजें जो लोगों की जो गलत सोच है मैं आपको बता दूं, वो काफी हद तक क्लियर कर लो। और ऑटोमन एम्पायर के बारे में अगर बताना चाहूं तो बहुत सी चीजें जो मैं अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत कम पड़ेगी। उसके अलावा Season 2 इसका आएगा कि नहीं आएगा, देखिए Season 2 इसका जरूर आएगा क्योंकि सुल्तान मोहम्मद अल फातिह ने अपनी जिंदगी में और भी ऐसी चीजें की जो हमें और भी सीरीज में बता सकते हैं। उनका एक मशहूर वाक्य था व्लैड द एम्पायर, यानी कि जिनको आप ड्रैकुला के नाम से भी जानते, उसका भी खात्मा सुल्तान मोहम्मद अल फातिह ने किया था। वो क्यों किया था? वो इसलिए कहते कि जो व्लैड द ड्रैकुला थे वो बहुत ही बेकार आदमी था, वो इतना खतरनाक आदमी था कि उसकी जो रियासत के जो लोग थे वो भी उससे इतने तंग आ गए थे क्योंकि वो लोगों का खून चूसता था, वो लोगों को बहुत बेरहमी से मारता था। और तब जाके उन लोगों ने ऑटोमैन के किंग सुल्तान मोहम्मद अल फातिह से मदद मांगी थी और उसने आके उसको भी मारा था, प्लस उसके मार के उसके घर को कलम करके, यानी उस घर को काट के इस्तानबुल में, जो कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी जिसको अब इस्तानबुल के नाम से जाना जाता है, इस्तानबुल में उसका सर लाके रखा था और बताया था कि देखो ये जो लोगों को इतना परेशान कर रहा है इसको मैंने मारा हो। तो ये जो सुल्तान मोहम्मद अल फातिह थे बहुत ही अच्छे शख्स थे, अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो बस इनके फैन बन जाओगे और कुछ नहीं। और इनके अलावा जितने भी ग्रेट इस्लामिक लीडर्स थे या इस्लामिक वॉरियर्स थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो लोग बेमतलब किसी को परेशान नहीं करते थे। तो खैर बस इस वीडियो में इतना, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर आप लोग जरूर देखो, इस तरीके से इसमें इंग्लिश बताएगी कि आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। तो बस अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को ज्यादा शेयर करो। मैं हूँ राशिद शेख, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, तिलन दुआ में याद रखना, मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी नए वीडियो में, तिलन बाय।